आज ये गोष्ठी देवमुख मेहमान परम सत्कार्य डॉक्टर जसपाल सिंह जी राजस्थान पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला सरदार तरनजन सिंह जी आदर योग डॉक्टर दीप कौर टवाणा जी मेजर आदर्श पाल जी भाषा विभाग के डायरैक्टर श्रीमती बलबीर कौर जी और मेरे सामने बैठे सारे ही बहुत सत्कारित मेहमान पैनल के भाव भाई कान सिंह आपा जी समुची रचना बारे डॉक्टर तेजवंत मान उन्होंने बहुत व्याख्यापूर्ण ढंग साझी की। मैं उन्होंने सिर्फ इको रचना गोशा रत्नाकर महान कोश बारे गल करांगी। गोशा रत्नाकर महान कोश रचन तो पहला भाई साहब 15 रचनावां रच चुके सन जिन्हों का जिक्र डॉक्टर तेजवंत मान उन्होंने अपने पेपर में किया। जितों तक गोशा रत्नाकर महान कोश जिन्हों के असं महान कोश के हरमन प्यारे नाम नाल सारे जानते हैं, यह कोश भाई कान सिंह नापा की मिसाली प्रतिभा उन्हां दी उत्तम दर्जे की विद्वता ते सिखरला समर्पण जे किसी का अपनी भाषा प्रति हो सकता है तो उसका यह जिंदा जागदा सबूत है। ज्ञान के खेत्र में विचरण वाला कोई भावें जग्यासु है भावें कोई खुजारथी है भावें कोई विद्वान है वह इस प्रतिभा के कायम होए बिना नहीं रह सकता। अपने समय दीआं लोड़ां वगैरह नूं समझना उस दे विचों जो जरूरी है उन्हां कमां नूं हथ पाना फिर सारी उम्र ला के भी उन्हां नूं पूरे कर सकना किसे हारी सारी दे वस नहीं हुंदा। पर कुछ प्रतिभावां ऐसियां हुंदियां ने जिहड़ियां अपने समय दीआं वंगारां विचों खुद जिम्मेवारियां खुद ओट लैंदियां ने ते फिर सारी उम्र ला के उसनूं पूरा कर दिंदियां ने। यह महान कोश इहो जिहियां सदीवी जिम्मेवारियां ओटन वाली एक मिसाल अपने युग नूं युगांतरां तक फैलाउण वाला युग पुरश कहांदा है ते सचमुच भाई कान सिंह नाभा जी एक अजिहे युग पुरश सन जिन्हां दी प्रतिभा ने पंजाब दी पंजाबी ज्ञान दी अखुट परंपरा नूं ना केवल अपने समय दी सगों सारे समय दी हाण दी बना दिता। जिवें जिवें समां बीतदा है उवें उवें सानूं पता लगता है कि इसकी की महानता है कि आने वाले समय में इसकी की महानता बनी रहेगी तो किवें बनेगी। उन्हां दी सूखम सूझ उन्हां दा विशाल ज्ञान उन्हां दी तार्किक दृष्टि सख्त मेहनत ते सिखला समर्पण महान कोश के रूप में इसका गवाह आप है। महान कोश एक अजिहा ग्रंथ है जिहड़ा साडी मध्यकाल दी शास्त्रार्थ परंपरा ते आधुनिक युग दे विच जिहड़ी सिक्ख्या दी संचार दी प्रणाली पैदा हुई उहदे विचकार एक महत्वपूर्ण कड़ी बणदा। अंग्रेजी साम्राज दी जदों धार्मिक राजनीतिक प्रभुता ते नाल दी नाल उहनां दी सभ्याचारक नीतियां दे सामने जदों समुच्चा देश जिहड़ा हैगा उह अपने आप नूं साथहीन महसूस कर रिहा सी उस समें इहो जिहे पंजाबी और भारतीय ज्ञान दे इहो जिहे प्रमाणा इहो जिहे प्रगटाव्यां इहो जिहे साधनां स्रोतां संतां नूं इकट्ठा करन दी फौरी जरूरत सी जिहड़े इस नूं आधुनिक जमाने दी सिक्ख्या दे हाण दा बना सकन और इह हाण दा बनाउण विच जो महान कोश दा योगदान है उह मैं समझदी हाँ कि किसी भी होर स्रोत ग्रंथ नालों वधेरे है। पंजाबी भाषा नूं पंजाबी ज्ञान फलसफे नूं एक सुनिश्चित ढंग विच सोचण दा एक महान कोश वर्गी एक एनसाइक्लोपीडिया सिरजण दा सुपना उहनां ने उदों लिया जदों बहुतियां भाषावां जिहड़ियां सी उह एनसाइक्लोपीडिया दे नां तों वी वाकफ। जदों असीं सारी दुनिया की ज्ञान परंपरा नूं देखते हाँ तो महान कोश उस क्रम के भी इतिहासक क्रम के अनुसार इसका 12वां नंबर है। इसका मतलब है कि असी उस जमाने विच पंजाबी भाषा की उत्तमता की पंजाबी भाषा की प्रमाणिकता की एक कसौटी सिर सके तो यह भाई कान सिंह नाभा की मेहनत करके ही हो सकता। मैं समय की घाट करके थोड़ा थोड़ा बनाई क्योंकि महान कोश बारे एक यहाँ कोश है जिसके बारे घंटिया बदी बोलिया जा सकता है पर समय को देखते हुए मैं इससे थोड़ी गल कर। महान कोश साड़ी सब तो वड्डी डिक्शनरी है साड़ा एनसाइक्लोपीडिया भी है और साड़ा थिसारस भी है। कोश की परंपरा के अनुसार गुरमुखी के अखर क्रम के मात्रावान की पंजाबी मुहारनी इसते 64,263 इंद्राज वह जदों महान कोश 1930 छपया से वह और हूँ जदों इस पंजाबी यूनिवर्सिटी छाप रही है तो भाई कान सिंह नाभा ने इस कोश छपण तो बाद अगले 8 साल जी सुधाई की जी वाधे किए वो अभी जो इस शामिल करा तो इस 1727
ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਕਲਪ ਨਾਵਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸਰਬਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਸੋਭਾ, ਗੁਰਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਿਆ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਨਮ ਸਾਥੀਆਂ, ਗੁਰਪਦ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਖਿਕ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਬਣਿਆ। ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1900 ਤੱਕ 10 ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ ਰਚਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਰਚਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਖੀ ਪੰਖੇਰੂ, ਜਾਨਵਰ, ਘਾਹ ਬੂਟੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਬਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਵਿਆਕਰਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਅਰਥ ਭੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸਧਾਰਨ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 50-60 ਅਰਥ ਭੇਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 60 ਅਰਥ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਕਬਰਾ ਜਾਂ ਡਬਖਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਿਤਕਬਰਾ ਜਾਂ ਡਬਖਬਾ ਹੋਣਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਤਰਿਕ ਲਈ, ਹਰਣ ਲਈ, ਘੋੜੇ ਲਈ, ਹਾਥੀ ਲਈ, ਭੌਰੇ ਲਈ, ਮੋਰ ਲਈ, ਸੱਪ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੱਖੀ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲਈ, ਡੱਡੂ ਲਈ, ਹੰਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ, ਪਰਬਤ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਲ ਨੂੰ, ਮੋਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੱਜਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਇੱਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਥ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ, ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਵਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਠਾੜ ਦਾ ਔੜਵ ਸ਼ਾੜਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਵਰ, ਅਵਰੋਹੀ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼, ਇੱਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
कि महान कोश जो है वह कि अर्थों में महान कोश है। भाई साहब को परंपरक ज्ञान की एक असाधारण जो ज्ञान उन्होंने इस कोश में अर्जित किया होया वह उन्होंने परंपरक सिक्ख्या दीख्या है। इस उन्होंने घर का माहौल भी सी और उन्होंने सिखलाई के मौके पर माहौल भी सी। भाई नारायण सिंह उन्होंने पिता जी उन्होंने उन्होंने घर परिवार सिर्फ सिखी जीवन जात से विश्वास नहीं रखता बल्कि सिखी आदर्शों विश्वास रखता से और उन्होंने भाई कान सिंह बारे सिखलाई वे इस गल का ध्यान रखा कि उन्होंने 14 विद्या नदान बनाया जाए। जड़िया 14 विद्यावान ने उस चारों वेद 6 वेदान जिन्हों सिक्ख्या कलम ज्योतिष छंद निरुक्त शामिल होंगे तो इलावा न्याय मीमांसा कुरान के धर्म की सिक्ख्या भी दी। डॉक्टर दविंदर सिंह विद्यार्थी लिखते हैं कि भाई मनी सिंह ने जिहड़ियां 14 विद्यावान दसिया ने उन्होंने सिर्फ सिक्खी के प्रभाव अधीन भाई कान सिंह नाभा सिर्फ एक नाट शास्त्र की सिक्ख्या ही दी गई बाकी सारिया सिक्ख्यावान दिखाई गई। जिमें कि मैं पहले दसिया कि महान कोश तो पहला वो 15 तो बाद पुस्तक रच सके थे और इस कोश के पंजाबी हिंदी संस्कृत अरबी फारसी अंग्रेजी भाषा को प्रतिनिधता मिली है। मुख्य तौर 19वीं सदी तक की पंजाबी की वरतों का कोई अजिहा शब्द नहीं जो अर्थों के रेंज उसकी नॉलेज और उसकी शक्ति को समेत इस कोश में शामिल ना होया हो। इस इतराज जड़े ने कुछ शब्दों के भी ने कुछ सत्रों के भी ने 5-6 सफ़ियां तक भी फैलते हैं और हर छोटा वड्डा जो इतराज है उसकी जी कलैरिटी है और उसकी जी इकोनमी है वह रश करने वाली। मैं ये एग्जाम्पल देना चाहती थी जिमें अड़ी अड़ी वर्ड है तो उन्होंने दस के भी एक संख्या है अगर दसा हुआ हठ जिम जो आयड़ा दसिया तो दसिया कि यही एक विशेषण है जिदा मतलब है आया होया आगर। फिर उस तो बाद दस कि गुरबाणी के साढ़े सूवी संत महला किमें वरत्या गया। इस तरह जो गुरद्वारा शब्द का इंदाज देंगे ने तो उन्होंने प्रभाषित करने वेले उन्होंने स्पष्टता उन्होंने सेध देखने वाली है। वो कहते हैं कि जे ये क्रिया विशेषण है तो इसका भाव है गुरु की मार्फत गुरु के जरिए जे संज्ञा है तो मतलब है गुरु का घर सिखा का धर्म मंदिर वह स्थान जिसनों दसा गुरुओं किसी ने धर्म प्रचार लिए बनाया अथवा जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होंदा है। फिर वो दसते हैं कि गुरु नानक तो गुरु अर्जन तक असं इसको धर्मशाला कहते रहे गुरु अर्जन ने इनू हरिमंदर कहा तो उस तो बाद गुरुद्वारा शब्द जोड़ा है अपने इस्तेमाल में आता है। फिर परिभाषा भी देखने वाली है वि सब ने एक बार ये दसी सी सिखा का गुरद्वारा विद्यार्थियों के स्कूल आत्म जिज्ञासा वाले ज्ञान उपदेश आचार्या रोगियों लिए शफाखाना भुख्या लिए अन्नपूर्णा इसी जाति की जातवाद रखने लोहमई दुर्ग और मुसाफिर विश्राम का स्थान है। इस इतराज गुरुद्वारा सुधार लैन का भी सारा इतिहास है पर नाल ही नाल जी स्पष्ट वर्ड जो दिता गया वह है गया कि गुरुद्वार का सुधार से प्रबंध उदों तक संभव नहीं जदों तक गुरुद्वार के सेवक गुरमुख के पूरे ज्ञाता विद्वान से सदाचारी नहीं होंगे जद तक उदासी निहंग निर्मले नामधारी आदक सारे कौसम छड़ के अपने ताई एक पिता का पुत्र जान के भ्रातृभाव का वर्ताव नहीं करते जद तक माया के जाल तो मुक्त होकर निष्काम सेवा को आदर्श नहीं बनाता। यह एक एक इंदराज की भरपूरता मैं तुम दसना चाहनी हाँ कि जो असं एक एक इंदराज को देखते हैं तो पूरा पूरा इतिहास सानू इस महान कोशों मिलता है और विषय की विशालता गहनता के सिर्फ सिख न सिखी संबंधित इंदराजा में नहीं जाते जे वो ईसाई मत का इस्लाम का कोई भी इंदराज देख लिया उत्थे भी यह विशालता और गहराई इस तरह ही कायम है। मान लो कि जे वो ईद बारे इंदराज देंगे ने तो वह मुसलमाना के सत्ते पर्व जोड़े है शामिल कर लेंगे ने। एक बड़ी जानकारी पक्षों है कि कबर की एंट्री जो लिखते हैं तो वो कबर की खुदाई किमें होवे डूंगाई किमें होवे सिर किस पास हो इस बारे नहीं दसते सारी एंट्री।